Good morning, students. In our last class, we have studied about the sound. Sound need medium and sound produced by humans. Today we will study about the sound. Sound needs propagations and other articles. So we start. Sound needs a medium for propagation. Sound को medium की आवश्यकता होती है propagation करने के लिए, means एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए उसे मीडियम नेसेसरी होता है. व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस. आप अपने मित्र को बुलाते हैं जो आपसे दूर खड़ा है, तो आप क्या करते हैं, उसे आवाज देते हैं. आपका मित्र वो आवाज सुनता है, आपकी आवाज को सुनता है. हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट टू ट्रेवल टू हर, उस तक वो आवाज कैसे पहुंचती है. इसके लिए यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई है. उस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि साउंड कैसे मूव करती है. टेक ए मेटल और ग्लास ट्रम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, प्लेस ए सेल फोन इन इट. रिमेम्बर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनादर सेल फोन. लिसन द रिंग केयरफुली. नाउ Surround the rim of the tremolo with your hands. Put your mouth on the. आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, tremolo लेना है. ये tremolo ड्राई होना चाहिए. इसमें आपको क्या करना है, एक सेल फोन रखना है और आपका मित्र इस पे रिंग देगा. आप उस आवाज को फील करेंगे. अब अगली बार आपको क्या करना है, आपको उस ग्लास को अपने हाथों से कवर कर लेना है. उसके बाद आपको क्या करना है, उस ग्लास में बोलना है. Opening between your hands, indicate to your friend to give a ring again. अब आपको क्या करना है, आपने वो ग्लास लिया और दोनों हाथों से कैच किया, उसे माउथ के पास लेके आ गए. अब आप अपने मित्र को बोलेंगे कि वापस इसके ऊपर रिंग दे. Listen to the ring while sucking air from the tremolo. अब आपको क्या करना है, रिंग को सुनना है. जब वो एयर इसमें सक हो रखी है, उस कंडीशन में आपको ये साउंड सुननी है. Does the sound become fainter? एज यू सक एयर, जैसे ही आपने एयर इसके अंदर सक की, आपको इसकी आवाज में क्या अंतर नजर आता है, आपको वो फील करना है. रिमूव द ट्रम्बलर फ्रॉम योर माउथ. आपको ट्रम्बलर्स को अपने माउथ से दूर करना है. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, क्या दोबारा साउंड तेज हो गई. इट मीन जैसे ही आप अपने मुंह से ग्लास को दूर करते हैं, यानी आपने जो हवा सक की थी उस वजह से क्या होता है, साउंड लो हो गई थी, और जैसे ही आपने इसे हवा के कॉन्टेक्ट में आने दिया, क्या ये साउंड वापस तेज हो गई. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन सोच सकते हैं. इज इट पॉसिबल डेट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द ट्रम्बलर हैड समथिंग टू डू दिस डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग. आपने ये देखा होगा कि आपने जब इसकी ट्रम्बलर की एयर सक की थी, उस कंडीशन में इसकी आवाज डिक्रीज हो गई थी. तो ऐसी क्या चीज है जिसके द्वारा साउंड की लाउडनेस डिक्रीज हो गई थी. इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक एयर इन द ट्रम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड. वास्तव में क्या है कि आपने उसकी जब एयर सक कर ली थी, तो ट्रम्बलर क्या हो गया था, एक्चुअल में वो एम्प्टी बन गया था. उस कंडीशन में आप कोई भी साउंड नहीं सुन सकते थे. एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, वास्तव में साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम नेसेसरी है. व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल इट इज सेड दैट देयर इज ए वैक्यूम इन द वेसल. और वास्तव में जब आपने उसकी एयर रिमूव कर दी, तो वह जो आपका प्लेस था वह कैसा बन गया, वैक्यूम बन गया. वैक्यूम मीन ऐसा प्लेस जहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं हो. द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. द साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल करती है. लेट्स फाइंड आउट, हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा फाइंड करेंगे. टेक ए बकेट और ए बाथटब, फिल इट विथ क्लीन वाटर. टेक ए स्मॉल बेल टू वन हैंड, शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड. मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब. आपको क्या करना है, एक बकेट या टब लेना है, उसमें फ्रेश वाटर भरना है, और आपको एक रिंग लेनी है. रिंग लेके आपको इसके बॉटम में टच नहीं कराना है, यानी कि आपको इस लिक्विड फेज में ही इसको बजाना है. प्लेस योर
ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, आपको आपका ईयर जेंटली इसके ऊपर प्लेस करना है, लेकिन आपको सावधानी रखनी है कि आपके ईयर में वाटर एंटर ना कर जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको बेल की साउंड सुनाई देगी? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स? लेट्स फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो, क्या साउंड सॉलिड के थ्रू भी मूव करती है? तो हम एक एक्टिविटी और करेंगे सॉलिड के लिए। टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रोड एंड होल्ड इट्स वन एंड ऑफ योर ईयर, आपको एक रोड लेनी है और उसका वन एंड आपको आपके ईयर के पास पुट करना है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रीच और टैप एट अनदर एंड ऑफ द स्केल, और आपके आपको फ्रेंड को बोलना है कि आप इसके अनदर एंड है उसको स्क्रीच करें या फिर इसे टैप करें, इसे बजाएं। कैन यू हियर ए साउंड ऑफ द स्क्रीचिंग, क्या आपको स्क्रीचिंग की साउंड सुनाई देती है? आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, और यही एक्सपेरिमेंट आपको आपके फ्रेंड के साथ करना है और उससे भी आपको पूछना है कि क्या उसे भी साउंड सुनाई दे रही है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी टू प्लेसिंग योर ईयर एट वंस एंड ऑफ द लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रेच द अनदर एंड ऑफ द टेबल, और आप ये एक्टिविटी टेबल आयरन टेबल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसे स्क्रेच करना है और आपके फ्रेंड को बोलना है कि वो इसकी अनदर एंड पे साउंड सुने। We find that sound can travel through wood or metal. अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि साउंड वुड या मेटल के थ्रू ट्रेवल करती है। In fact, sound can travel through any solid. वास्तव में साउंड किसी भी सॉलिड मटेरियल्स के द्वारा मूव कर सकती है। You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings. और आप ये एक्टिविटी बता सकती हैं कि साउंड स्ट्रिंग्स के द्वारा भी मूव करती है। Have you ever made a toy telephone? आपने बचपन में टॉय टेलीफोन तो बनाया ही होगा। Can you say that sound can travel through strings? क्या साउंड स्ट्रिंग्स के द्वारा ट्रेवल करती है? बचपन में बच्चे क्या करते हैं, टू केन लेते हैं, उनमें एक धागा बांधते हैं और ये यूज करते हैं टेलीफोन के जैसे। तो ये जो साउंड है स्ट्रिंग के द्वारा भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है। We have learned so far that vibrating objects produce sound and it's carried in all direction in a medium. हमने ये देखा कि vibrating object sound produce करता है और वह किसी भी direction में sound को फैला सकता है, चाहे उसका medium कोई भी हो, medium solid, liquid या gas, वो sound move कर सकता है। था medium could be gas, liquid or is solid. अब आपका medium gas हो सकता है, liquid हो सकता है और सॉलिड हो सकते हैं। हाउ डू वी हियर इट, अब हम इसे कैसे सुनेंगे, यानी हम आवाज कैसे सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम साउंड्स को अपने ईयर्स के द्वारा सुनते हैं। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल, आपका जो ईयर है आपने देखा होगा उसकी आउटर जो शेप होती है वो फनल के जैसी होती है। वेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इसके अंदर एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनल एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्क्रेच मेम्ब्रेन, और यहाँ पे साउंड क्या करती है, ट्रेवल करती है कैनल्स के द्वारा जो इसके मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़ा होता है, थिन मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़ा होता है, उस तक वहां पे साउंड पहुंचती है। इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम, इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, ईयर ड्रम एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। To understand what the eardrum does, let's build a tin can model of the eardrum. अब आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है eardrum के लिए। आपको एक एक्टिविटी दी गई है। Take a plastic or tin can, cut its end, stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band. आपको क्या करना है, एक tin can या plastic का can लेना है, उसके दोनों एंड्स कट कर देने हैं और आपको एक स्ट्रेच पीस रबर लेना है बैलून का और उसको आपको इसके अंदर अटैच कर देना है। पुट फोर और फाइव ग्रेन्स ऑन ए ड्राई सेरेस ऑन द स्ट्रेच रबर, और आपको जो आपने स्ट्रेच रबर रखा है इसके ऊपर आपको फोर फाइव पीस ग्रेन के रखने हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे,
अब आपको आपको फ्रेंड्स को बोलना है कि वो हुर्रे हुर्रे बोले फ्रॉम द ओपन एंड, कहाँ से इसका जो ओपन एंड है इटमीन नीचे की जो पोर्शन है उससे उसे बोलना है. After what happened to the grain, आप देखेंगे कि grain का क्या होता है. Why do the grain jump up and down, आप देखेंगे कि जो grain है वो up and down move करना शुरू कर देते हैं. The eardrum is like a stretch rubber sheet. Eardrum क्या है, वास्तव में एक stretch rubber sheet की जैसे work करता है. साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, और जो साउंड वाइब्रेट होती है वह ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है. द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और ये क्या करती है इनर लेयर तक आपके वाइब्रेशन को मूव करती है. फ्रॉम वेयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और ये सिग्नल ब्रेन तक जाती है. डेट इज हाउ वी